हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डोर फ्रेम पॉलिश करने का, वुडन पॉलिश करने का किस तरीके से करते हैं और उसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है। उसका पहला है पेपर इस्तेमाल होता है, जिसको हम अपनी भाषा में रेगमाल कहते हैं। मेटल पेस्ट है, चॉक पाउडर, कलर, थिनर, पॉलिश, और उसके बाद में आता है उसको कहते हैं सीलर, लेकर सीलर कहते हैं, जो लास्ट में उसको उसमें फ्रेम को चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इन इन मटेरियलों का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या किस प्रोसेस में पॉलिश किया जाता है कि जिससे आपको फिनिशिंग अच्छी मिले और दिखने में भी अच्छा लगे। सबसे पहले दोस्तों, पूरे फ्रेम में जहाँ भी कोई गैप है, गड्ढा है या कुछ नई लीनियर सरफेस नहीं है, फिनिश सरफेस नहीं है, वहाँ पर हम लोग भर लेते हैं, उसमें मेटल पेस्ट भर लेते हैं ताकि वो उसके गैप फिल हो जाए और कोई दिक्कत हो। जैसे इसमें कॉर्नर पे और या किनारे के कॉर्नर पे या नीचे कहीं भी जहाँ भी गैप होता है उसको फिल कर लेते हैं मेटल पेस्ट से। उसके बाद हम लोग पेपर से इसकी अच्छे से घिसाई करते हैं ताकि ये सरफेस पूरी स्मूथ हो जाए, सरफेस इस तरह की रफ ना रहे, इसलिए हम पेपर से घिसाई करते हैं। दोस्तों घिसाई करने के बाद जब सरफेस एकदम लीनियर हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, उसके बाद हम लोग को ज़रूरत होती है पेस्ट बनाने की, जो कि मैंने आपको मटेरियल बताया था उसमें चॉक पाउडर और कलर का इस्तेमाल करते हैं। उसको पानी से मिला के मिक्स करते हैं और इस रेशियो में मिक्स करते हैं पानी थोड़ा थोड़ा मिला के, कि वो ज़्यादा ना गीला हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, ताकि वो सरफेस पे अच्छे से पकड़ बना ले। और उसको हार्ड करने के लिए थोड़ा उसमें पॉलिश भी डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए, जो पॉलिश का पॉलिश की बाल्टी रहेगी, पॉलिश की बाल्टी से उसमें डाल के थोड़ा कि हार्ड हो जाए, कोई दिक्कत ना हो उसमें। दोस्तों चॉक पाउडर और कलर का पेस्ट बनाने के बाद उसको पूरे फ्रेम पे चारों तरफ एक लीनियर पोजीशन में पूरे मार देना चाहिए ताकि वो उस पर अच्छे से आराम से लग जाए, जिस तरह इस फ्रेम में लगा हुआ है। और दरवाजों के कॉर्नर पे, क्योंकि कारपेंटर जो भी लगाते हैं दरवाजों के किनारे से, उनको फिनिश करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, दरवाजों को मैनेज करने के लिए उसमें ज़रूरत पड़ती है काटने की उसको, तो उसमें वो सरफेस के, दरवाजे के सरफेस के किनारों पे भी पॉलिश करवाना ज़रूरी होता है, इस तरह से जो दरवाजों के सरफेस पे भी हुआ है। जिस पोर्शन में आपके सामने ये डोर है, इस पे वो कहते हैं इसको पॉलिश का पहला स्टेप है, इसलिए इसमें इसको बेस कहते हैं। बेस कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों इसको छोड़ देते हैं कम से कम एक दो दिन के लिए। अगर गर्मी का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें जल्दी सूख जाएगा, पर ठंडी का मौसम है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उसको छोड़ देते हैं सूखने के लिए कि अच्छे से वो बेस पकड़ बना ले फ्रेम के साथ में। उसके बाद फिर हम दोस्तों इसमें शुरू कर, दोस्तों फिर बेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसको फिर से घिसाई करते हैं ताकि इसकी सरफेस फिर से और स्मूथ हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग इस पर पॉलिश का काम शुरू करते हैं। सरफेस को अच्छी तरह से घिस लेने के बाद सरफेस कुछ इस तरह से दिखने लगेगी, जैसा कि आपके वीडियो में दिख रहा है आपको। इसके बाद दोस्तों हम इस पर पॉलिश मारते हैं, कॉटन का इस्तेमाल करते हैं पॉलिश मारने के लिए, ताकि उसके सरफेस पे स्मूथ बना रहे और उसमें रेसे प्रॉपर तरीके से दिखें। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए। अच्छे से ड्राई हो जाता है तो अपने कलर में आ जाता है, और देख लेते हैं डोर फ्रेम के साथ वो कलर मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो वो कंटिन्यू रहेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो उस पर एक बार फिर से पॉलिश मारने की या कलर मारने की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिश मारने के बाद दोस्तों दरवाजे या फ्रेम का सेट कुछ इस तरह से दिखेगा, जो आपके वीडियो में दिख रहा है। और लास्ट में दोस्तों हम लोग लेकर सीलर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फ्रेम में जो है अच्छे से चमक आ जाए और वो प्रॉपर दरवाजों के साथ मैचिंग दिखता रहे, सही से दिखता रहे वो। फ्रेम पे सीलर मारने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का फ्रेम दिखने लगेगा, आपको प्रॉपर फिनिशिंग फ्रेम दिखने लगेगा। सो फ्रेंड्स, से कंप्लीट प्रोसेस है पॉलिश करने का, डोर फ्रेम पॉलिश करने का, वुडन पॉलिश इसी तरीके से किया जाता है। दोस्तों जो मैंने सारा मटेरियल आपको बताया था उसमें थिनर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पॉलिश कहीं गाढ़ा है या कुछ कोई दिक्कत है, या सीलर ज़्यादा पेंट टाइप का रहता है तो उसमें वो पॉलिश में और सीलर में दोनों चीज़ों में थिनर का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से पाउडर बनाने में भी थिनर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। दोस्तों फ्रेम कंप्लीट होने के बाद लीकर सीलर मारने के बाद उसमें देख लेना है कि प्रॉपर तरीके से उस फ्रेम में रेसे अगर हैं तो वो सही है, नहीं तो फिर दोबारा से सीलर मारने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए प्रॉपर रेसे चेक कर लें आप कि प्रॉपर रेसे हैं या उसमें नहीं है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है पॉलिश का, जो कि फ्रेम पे और डोर कॉर्नर्स पे हर अक्सर जगहों पे बिल्डिंग में जहाँ भी डोर लगते हैं वो किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वी विल प्रोवाइड कंप्लीट नॉलेज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सो फ्रेंड्स कनेक्ट विद अस।